तो आज का लेक्चर जो है वो टाइप ऑफ मोशन पे है. देखो, गाड़ी कैसे चलेगी उसके कुल मिला के दो तरीके हैं. पहला, मैं हाईवे पे गाड़ी को ले गया और मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी. मैंने सोचा कि मैंने गाड़ी की वेलोसिटी चेंज ही नहीं करनी, 60 किलोमीटर पर है 60 किलोमीटर पर हर पे ही चलेगी, खत्म. तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. तो मैं यूनिफॉर्म मोशन पे चलाऊंगा. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ना ज़्यादा ना कम, तो एक्सेलेरेशन जीरो है, तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं है. तो कभी भी कोई न्यूमेरिकल में वेलोसिटी कांस्टेंट का केस आ जाए तो आपने एक ही इक्वेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, s इज इक्वल टू वी टी. बस आपने ये इक्वेशन लगानी ही नहीं. याद रखना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है s इज इक्वल टू वी टी, खत्म. लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा या कम हुई, एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन ए हुआ, तो फिर उस केस में उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, गाड़ी तेज और स्लो हो रही है. तो ऐसे केस में कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो जो सूटेबल है. v इज यू प्लस ए टी, ये आपने सुनी हुई है, v स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस, यस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. कोई डाउट इसमें? ठीक हो गया. तो कब कौन सी इक्वेशन लगेगी, क्लियर हो गया एक तो चीज़. अब हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे. तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन. तो पहला केस है यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में पक्की बात है वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी. एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान आगे एग्जांपल लेंगे. मान लो ये ओरिजिन है, ठीक, ध्यान आगे प्लीज़, ये ओरिजिन है. मान लो आपकी गाड़ी यहाँ से चली, जब यहाँ से चली कैलकुलस में एग्जांपल लिया था इसका, एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स वन. तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, स्टॉप पर स्टार्ट कीजिए टी वन इज इक्वल टू जीरो, और कुछ देर के बाद टी टाइम के बाद बॉडी यहाँ पर मिली, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स टू. तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स टू माइनस एक्स वन. कोई डाउट इसमें? मान लो ये एस है, ठीक. मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका एक ग्राफ प्लॉट करें. क्या ग्राफ प्लॉट करना है? आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें कि बॉडी की कितने समय पे क्या डिस्प्लेसमेंट है ये बनाएं. तो मुझे सिर्फ ये बताएं, मान लो वाई एक्सिस में मैंने डिस्प्लेसमेंट मेंशन की, एक्स एक्सिस मैंने टाइम मेंशन किया, तो ये बताएं ए पॉइंट पे बॉडी का समय कितना है, टाइम कितना है, जीरो, और एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन. तो प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉटिंग आपको आती है. टाइम टी इज इक्वल टू जीरो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, टी इज इक्वल टू जीरो. और डिस्प्लेसमेंट एक्स वन कहीं यहाँ मिलेगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स वन. तो ए पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा. चेक कर लो, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, x1, और टाइम की वैल्यू क्या है, जीरो. कोई डाउट इसमें? अच्छा, b पॉइंट पे चलें, b पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, x2, टाइम कितना है, t2t. तो टाइम t2t यहाँ का ही मिलेगा, और x2 की वैल्यू x1 से ज़्यादा ऊपर मिलेगी, मान लो यहाँ मिलेगी. तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, जब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x2, और टाइम कितना है, t2. कोई डाउट इसमें? ये मेरा b पॉइंट मिल गया मुझे, मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ए से लेके बी तक इसे ज्वाइन कर लिया. तो मेरा ग्राफ क्या मिल गया, मुझे ग्राफ बना मिला ए बी. कैसे बना, समझ में आ रहा है? तो मैंने एक्स की वैल्यू जीरो और एक्स वन, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स टू, और टाइम टी टू. तो मैंने यहाँ प्लॉटिंग कर ली, टी टू टाइम पे एक्स टू वैल्यू है. तो इस ग्राफ के अंदर ये जो हाइट है ये वाली, ये पता है कितनी है, ये एक्स टू है, एक्स टू यहाँ से ली है, और टाइम इसमें टी टू है. तो ग्राफ मेरा ए बी बन गया. इस ग्राफ को बोलते हैं, कौन सा ग्राफ प्लॉट किया मैंने, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट किया. शॉर्ट फॉर्म में फिजिक्स वाले इतना लंबा बोलना पसंद नहीं करते, आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्स टी ग्राफ. तो एक्स वर्सेस टी ग्राफ, तो एक्स टी ग्राफ मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके अंदर एक टर्म आने वाली है जिसको बोलते हैं स्लोप. स्लोप क्या होती है, नॉर्मल वर्ड है. आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, आपने कहा सड़क की स्लोप बहुत ज़्यादा है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है. तो फिजिक्स वाले समझाते हैं, देख ये सड़क प्लेन है, थोड़ी ऊपर हो गई, थोड़ी ऊपर हो गई, देख इसकी स्लोप बढ़ती जा रही है, तो तेरी गाड़ी हायर स्लोप पे जा रही है. मैथ वाले ऐसे समझाते नहीं है, मैथ के टीचर से बोलो, वो कहते कोई चढ़ाई थोड़ी कुछ नहीं, तुम बस टैन थीटा निकाल दो. अगर ये स्लोप ज़्यादा है, इसका टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस ज़्यादा आएगा.
अगर ये हाथ और ऊपर है, टेन थीटा ज़्यादा, टेन थीटा कम, टेन थीटा कम, टेन थीटा कम, टेन थीटा जीरो, कहता जी टेन थीटा निकाल लो, स्लोप आ जाएगी, जितना बड़ा टेन थीटा उतनी बड़ी स्लोप। तो मैंने कहा ठीक है यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लूँ तो स्लोप की वैल्यू मैथमेटिकली कैसे निकलती है, फाइंडिंग टेन थीटा। तो टेन थीटा अगर मैं निकालूँ तो इस लाइन के लिए मेरे को एक इमेजिनरी ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ा, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है और ये इस लाइन की एक्स के साथ स्लोप है और थीटा एंगल है। तो मैंने इमेजिन कर लिया कोई थीटा एंगल, तो बोले टेन थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या आएगा, दिस डिस्टेंस ये एक्स टू में से एक्स वन माइनस करके क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, और टी टू में से टी वन, टी टू माइनस टी वन। तो टेन थीटा क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, कोई डाउट इसमें। तो मैंने इसमें स्लोप लिख दी, स्लोप क्या आ गई, एक्स टू माइनस एक्स वन बाई वी टू टी टू माइनस टी वन। लेकिन ये रिजल्ट जानना पहचानना था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम को तो वेलोसिटी बोलते हैं, तो ये क्या आ गई इसकी वेलोसिटी। तो एक रिजल्ट पता लग गया, क्या रिजल्ट पता लग गया कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ विल गिव, इसकी जगह एस पुट कर लें, इसकी जगह टी पुट कर लें, क्योंकि टी वन तो जीरो था, टी टू की वैल्यू टी थी, टी माइनस जीरो टी हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, एस इज इक्वल टू वी टी का इक्वेशन आ गई और एक रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आ गया, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ विल ऑलवेज गिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो फॉर्मूला रजिस्टर ओपन कर लें, लिखें स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ विल गिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, वो लाइन लिखें, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ विल गिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और कुछ नहीं चाहिए, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ विल गिव, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ विल गिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बस ये याद कर लो। यहां तक क्लियर है, तो रिजल्ट समझ में आ रहे हैं यहां तक। प्रूफ कोई नहीं पूछेगा आपसे कि ये कैसे लेके आई, आपके समझाने के लिए सब एग्जांपल्स हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा अभी बताता हूं मैं, रुको। तो पहले यहां तक तो क्लियर हो गया रिजल्ट, ठीक। तो आज के बाद वो आपसे क्वेश्चन ना कुछ ऐसे पूछने वाला है, न्यूमेरिकल आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल के अंदर आपसे ये पूछेगा कि सपोज करो ये मान लो आपका टाइम है और ये मान लो आपका एक्स टी ग्राफ है। वो कहेगा ये रहा एक्स टी ग्राफ कुछ ऐसे, इस ग्राफ में सपोज ये टाइम है 2 सेकेंड, सपोज ये टाइम है 6 सेकेंड, सपोज यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 8 मीटर और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर, ठीक है। तो आपको इसकी क्या निकालनी है, वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब ग्राफ को ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ऊपर से एक्स टी ग्राफ है, तो रिजल्ट क्या है, फाइंड स्लोप, ट्राइंगल बना लो, ये टोटल 10 में से 8 गया कितना है 2 मीटर, 6 में से 2 गया तो कितना हुआ 4 सेकेंड। तो स्लोप की वैल्यू क्या है इसमें, टेन थीटा कितना 2 मीटर बाय 4 सेकेंड आंसर। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, जब रिजल्ट ही याद नहीं हुआ तो अप्लाई क्या करोगे। तो पहला रिजल्ट समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है, तो आपको एक्स टी ग्राफ की क्या निकालनी है, स्लोप, और स्लोप एक्स टी ग्राफ की आपको क्या देगी, वेलोसिटी। तो पहला रिजल्ट क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके अंदर, ठीक, इसके अंदर किसी ने कहा सर एक्स टी ग्राफ क्यों, वी टी ग्राफ ड्रॉ करो। वी टी ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये रही वेलोसिटी, ये रहा टाइम, तो वी टी ग्राफ कैसा बनेगा, देखो वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट है, मान लो बॉडी वी वेलोसिटी से चल रही है, हर वक्त वेलोसिटी विल रिमेन सेम, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज तो हो नहीं रही, तो वेलोसिटी सेम चलेगी। तो टी टाइम तक बॉडी की वेलोसिटी सेम है। तो कोई कहता है एक काम करो, एरिया अंडर कर्व निकाल दो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एरिया अंडर के अंदर इस कर्व की छत के नीचे कितना एरिया, ये शेडेड एरिया है, अंडर नीचे इसका एरिया क्या बनेगा, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, वी इंटू टी, वी इंटू टी, तो वी इंटू टी सुना लगता है, वो क्या होता है एस डिस्प्लेसमेंट। तो फिर रिजल्ट आ गया,
एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दी बॉडी। तो सेकंड रिजल्ट लिखो, लिखो ये लाइन लिखो, एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दी बॉडी। तो एरिया अंडर वीटी कर्व विल गिव डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दी बॉडी। ये नेक्स्ट रिजल्ट है, फॉर्मूला रजिस्टर बिल्कुल मेंटेन करके रखना, आपको मेंटेन कर लेना। ठीक, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट कर्व। अब न्यूमेरिकल कैसा आएगा, एक तो करवा दिया। अगर एक्सटी ग्राफ आया और आपसे ये कहा गया इसको देखते हुए वेलोसिटी बताओ, तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ विल गिव वेलोसिटी। तो आप इसकी स्लोप निकाल देना ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस 10 में से 4 6 मीटर हो गया और ये 8 सेकेंड हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 6 मीटर बाई 8 सेकेंड इज द आंसर। पहला आंसर क्लियर है। नेक्स्ट वो कहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो इसके अंडर एरिया निकाल देना, इसकी ये हाइट क्या है 10 मीटर पर सेकेंड और विड्थ कितनी है 7, तो आंसर क्या आएगा 70 मीटर इज द आंसर, एरिया आ जाएगा। तो क्या आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई ग्राफ्स की? तो हमने क्या दो रिजल्ट किए कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ विल गिव वेलोसिटी, एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचना है इसमें? इसके अंदर है तो एग्जांपल है, ठीक बना हुआ है इसमें, ठीक है। जैसे ये रहा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। कौन सा ग्राफ है चेक करो, एक्सटी की वीटी, वीटी क्या रिजल्ट है, वीटी ग्राफ का क्या करूंगी डिस्प्लेसमेंट आ जाए, एरिया निकाल दो। तो ये इसके अंडर एरिया निकाल दो, ये पूरा एरिया निकाल दो, ये पूरा एरिया आंसर आएगा। तो निकालो एरिया, एरिया कैसे निकलेगा, ये ट्राइंगल का एरिया प्लस, या ट्रेपेजियम बोल लो या छोटे ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का और रेक्टेंगल का। देखो तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या इसकी 8 है ना, बेस इंटू हाइट। इस छोटे ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस क्या है 4 में से 3 1 और इसकी हाइट क्या है 8 में से 2 गया तो 6। इस रेक्टेंगल का हाइट क्या है 2 और बेस क्या है 1 हो गया। अच्छा इसका रह गया हाइट क्या है, ये 2 और ये 1, हाँ हाइट क्या है 2 और इनटू 1, ऐड करना सारे एरिया से, ऐड करेंगे आंसर क्या आ रहा है, मीटर। समझ में आ रहा है एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया निकाल लेंगे ट्राइंगल का, ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का, क्लियर है यहाँ तक? तो एरिया निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 19 मीटर ऐड करेंगे और ये क्या मानी जाएगी, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट। तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको वो वीटी ग्राफ देगा और वहां से एरिया निकाल के क्या निकलेगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें क्या करना है, ये ग्राफ कौन सा है, ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया, इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट निकाल लोगे 8, बेस कितना है 3 में से 0 3, फिर प्लस इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया दिस इंटू दिस, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया दिस इंटू दिस, तो ऐड करके आंसर निकाल लेना। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है इसमें? ठीक, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। अभी तक तो गाड़ी की एक्सेलेरेशन थी नहीं, तो अब क्या है, एक्सेलेरेशन है। तो एग्जांपल से शुरू करते हैं फिर से एक बार, तो एग्जांपल में आगे कंटिन्यू करते हैं, एक सेकेंड।